फोटो किसकी है इधर हर जगह लगी हुई? परेश गोस्वामी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन बनाई उसने। अरे सीधे मुंह बात तक नहीं कर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 12 जुलाई 2024 के दिन बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार के करियर की वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म सरफिराह बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली, लेकिन इसी के साथ साउथ इंडस्ट्री की एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म इंडियन 2 भी रिलीज होने वाली है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सरफिराह और इंडियन 2 के बारे में कि दोनों फिल्मों का हाइप कैसा है। तो अगर आप इन दोनों फिल्मों के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं फिल्म इंडियन 2 के बारे में। तो फिल्म इंडियन 2 को डायरेक्टर एस शंकर के डायरेक्शन में बनाया गया, जिसका की बजट ही लगभग 250 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। और फिल्म के लीड रोल में हमें इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक सुपरस्टार कमल हसन, एक्ट्रेस सिद्धार्थ और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल दिखाई देने वाली है। और फिल्म का हाइप भी काफी अच्छा खासा देखा जा रहा है। जी हाँ, फिल्म को बुक माई शो पे लगभग 1,12,000 से ज्यादा इंटरेस्ट मिल चुके हैं। वहीं फिल्म के ट्रेलर को लगभग 25 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने यूट्यूब पर सभी भाषाओं में देख लिया है। और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म अपने पहले दिन कम से कम 30 से 40 करोड़ की कमाई इंडियन रेड बॉक्स ऑफिस से करने वाली है, क्योंकि फिल्म का क्रेज तमिल और बाकी भाषाओं में काफी शानदार देखा जा रहा है। आइए अब बात करते हैं बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म सरफिराह के बारे में। तो फिल्म को भी 12 जुलाई 2024 के दिन इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाएगा, क्योंकि फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा बताया जा रहा है। जी हां, फिल्म सरफिराह का बजट लगभग 180 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, जो कि बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार के करियर के सबसे बड़े बजट की फिल्मों में से एक है। लेकिन उसके बावजूद फिल्म का हाइप उतना ज्यादा नहीं देखा जा रहा है। जी हां, रिलीज के लगभग 13 दिन पहले फिल्म को बुक माई शो पर लगभग 10,400 इंटरेस्ट मिल पाए, जो कि फिल्म के बजट के हिसाब से काफी कम है। लेकिन उसके बावजूद फिल्म के ट्रेलर को काफी शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिला। जी हां, फिल्म के ट्रेलर को अभी तक लगभग 65 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने यूट्यूब पर देख लिया। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म अपने पहले दिन कम से कम 10 से 15 करोड़ की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से करने वाली है। अगर फिल्म सभी को पसंद आए तो यह फिल्म अपने लाइफ टाइम में काफी अच्छा कलेक्शन कर सकती है और बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार के करियर की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बन सकती है। तो आप सभी इन दोनों में से कौन सी फिल्म को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।